नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरा चैनल शिवांगनेल व्लॉग्स में। तो आप मैं स्वागत कर दूँ आपके ब्लॉग में। और आज भी हम आया छो इंद्रपुरम में कौतिक जग हमारे प्रीतम भरतवान जी ने आया छिन जो जागर सम्राट भी बुलदा जीते। तो चलिए दिखाना छो आपके नाच ला भी और मैं आप जागर बाबा केला सुरदन है, शिव जी केला सुरदन है, बाबा केला सुरदन है। तुम्हारा पोयंग मां बैठी जा, सो सिंगार से सजी जा, गोरा जी संग मर देना। शिव जी केला सुरदन है, बाबा केला सुरदन है। शिव जी हमारो पहाड़ी शिव जी छा, पहाड़ी बोलने वालो शिव जी छा। और अब एक जागर गीत के बाद एक प्रणय गीत, मैं जानो मेरी बसंती दूर देश पार, ये गीत है आपके सामने। जब कभी दूर प्रदेश में गुजान हो लगे हो और अपनी प्रियसी का वास्ता मैं जादू मेरी बसंती, अरे दूर जेसु पारा, आहा पार की बात सुर भी पार वो दूर देसु पारा ना, अरे दूर देसु पारा, खुद लगली कने नोलो तेरा बिगर, रिंग रिंगी मेरी बसु पछुनी ना हेरा, अरे जान दे झट आलो घरे होनी चिया मेरे। मैं जादों मेरी बसंती दूर देसु पारा, खुद लगली कने नलो तेरा बिगारा, मैं जादों मेरी बसंती दूर देसु पारा, खुद लगली कने नलो तेरा बिगारा। जुआरे रे मेरी बसंती याना दी रे ना, जद बेटी ने छोरी छोराई से भूल जाया वेना, मैं जादो मेरी बसंती तुझे सु पाया, तुझे जली कने नालो तेरा बीगा।
कर्या गुनी त मोरे रे मोरी रे क्या छोरी मेरा पकड़े रे मोरी रे क्या तो अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड साड़ी सेंटर और यहाँ पे एक है ये पहाड़ी पहनावा करके एक है पे ये पूरी एक शॉप है जहाँ पे कस्टमाइज पहाड़ी जैकेट्स और मतलब ये आपको हुडीज़ वगैरह मिल जाएगी बहुत कुछ है। तो दगड़ो यहाँ पे एक शॉप लाठी नामक आप देख सकते हो तो लाठी तो अभी आपसे दिखाना चाहो उधर बात करते चाहिए क्या क्या चीन उमा जी नमस्कार मैंने आपको ही बोलना चाहती ये लाठी आर्ट जो है मेरी बेटी डिजाइन करती है पूरा उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है तो उत्तराखंड के को कार्टून के माध्यम से दिखाती है जो परंपरा कल्चर हाँ परंपरा का है ड्रेसेस में दिखाती है जैसे ये है ये ये कैलेंडर है इसका मेन ये उसका ये पेज है कंचन एट द रेट लेटरेट डॉट कॉम ईमेल आईडी है। तो आप लोग अगर आपको कोई भी ऑनलाइन तो अगर आपको जैसे ऑनलाइन भी आपका ये ऑनलाइन भी है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है की चेन्स और क्या क्या है इसमें कैलेंडर और क्या क्या है कई चीजें ऐसी मैग्नेट वगैरह ये जैसे तो सामने में झूले वगैरह भी लग रखे हैं ये पूरा इंद्रपुरम में लगा हुआ है मेला 3 दिन का मेला और बहुत सारी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए शॉप्स लगे हुए और सामने हमारे भजन सम्राट पूरा रंगारंग कार्यक्रम करते हुए और इधर पूरी बहुत सारी स्टॉल्स हैं। हाँ जी तो मेरा नाम है पंकज मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी ऑन प्लेन्स ठीक है तो आप लोग जैसे कि नयाल व्लॉग्स को देख रहे हैं आप लोग मेरे चैनल पर जाकर और पहाड़ी कल्चर को ही फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं साथ में ही नयाल के ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करिए और पहाड़ी ऑन प्लेन्स को भी प्लीज़ विजिट करिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू नयाल। राजेश्वरी मेरी माँ भगवती जगदम्बा देवी त्रिलोकेश्वरी देवी
बेगातुर चलाए अगवाटी योगा जे अमोटी योगा जी लोलो तुरु के अधावड़े मेरे अपा रखवालो तेरो सदा आनंद भैरो जमालो मनो तेरो नाद बद भैरो मेरे माला तू का तुर चलाए आगे सारी कीर्तन मंडली नाच ये तो गोबरमा देख
बद्री नारायण को दियो जगण बैठ गए। शत्रुभुज नारायण जी तुम्हारो सिंगार हो लगे भगवती लक्ष्मी माता कमर चोर जो ढोल लगी भले जगत मंदिरी नारायण भगवती विष्णु देवी महामाई देवी घंटा कर्ण देवता कुबेर जी नर नारायण पर्वत मार सुबह मानछन सुबेर के नौबत भजन बैठ गए और देख दो भगवान जी निद्रा से जाग गए ढोल की लांगड़ियों मां भगवान जी बिज गए सुकुल की बुआरी बिज गए सुकुटुंबदारी बिज गए नमस्कार दगड़ियों यख हम ते अपर मतलब रिश्तेदार ही समझ सकता है वो मिल गए छिन अपा का नाम राजेश बिष्ट ग्राम ग्राम दियो साहब पट्टी मन्यार सिंह पश्चिम। अच्छा तो आज फंक्शन जो एक बार में जरा कुछ बता दे ये पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति पंजीकृत इंदिरापुरम ने ये साल उत्तरायणी मकरणी कौथिक महोत्सव मनाया 2024 ये 12 तारीख बटे ना आज 14 तारीख तक 12 से लेके आज 14 तारीख तक आज लास्ट दिन छ सभी का गढ़वाला पूरा उत्तराखंड बड़ बड़ कलाकार गायक कलाकार समाया छन अपन प्रस्तुति देना छन और आज एक दिन भी बहुत आखिर दिन जा बहुत भीड़ चाहे और बहुत लोग हैं ना और बहुत अच्छी लगी कि एक जो भी स्टॉल भी लगे ना गढ़वाला सब खानों घरे खानों जो बन दो उस हर तरह की भी दाल भी छन बिस्कुट भी छन क्वादक बनया क्वादक हर तरह अलग अलग वैरायटी बनी छन जो खरीद सकता नहीं बुटेन और रूटीन खाना में एक बार गैस तक परंठा छन घरक दाल भुजी घरक दाल बनी छ चावल घरक चावल छन तो खाना खुण बहुत चीज है खरीद रण खुण भी और खानो खुण भी तो कतका साल बटे खुण छ मतलब एक 4-5 साल बटे होनो छ अलग एक ये एक पहली बार होनो पहले शक्तिगण 4 में उन छाई स्वर्ण जयंती पार्क में भी भाई हो आ ये एक बटे ना भी खमोण छ मतलब इन चीज लगातार ही खिवाला एक जगह भी बहुत जन भीड़ आंदी आज भी बहुत भीड़ हुई छ तो लोग खड़ोना की भी जगह नहीं छ तो बहुत अच्छी लगे 2000 years later तो आज अब ब्लॉग शुरू होने छ बुआ रो घर बटी तो 15 तारीख छ जन के आपते पता छ 15 तारीख आज छ मकर संक्रांति उत्तरायणी मकरणी आप मतलब जो भी बोलदा पोंगल तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। तो चलिए दिखाते हैं कि बुआ क्या बना रही है आज नाश्ते में। तो बुआ बना रही है यहाँ पे पकौड़ी। बुआ हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज इस बार पहली बार 15 तारीख को आ रही है जैसे 14 तारीख को आ रही है।
किस किस की पकौड़ी बना रहे हो? आप गोभी की बना रहे हो, आलू पूरी बनाओगे थोड़ी सी और किट्टू बना रही चाय। किट्टू इधर आए कर दो। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। अकन्नु चली गई है स्कूल। किट्टू ने छुट्टी कर दी आज स्कूल जाने की। तो चलिए अब पकौड़ी बनने दीजिए, फिर खाते हैं। तो ये व्लॉग यक में ही ख़त्म कर दा। आई होप कि आपने व्लॉग पसंद आया, बोले तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पहले आइकन जरूर दबा दिया। और इन मैं बताना चाह रहा कि मतलब जो उत्तराखंड का कौतिक चिन्ह वह बहुत बिजाम होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा होने लग गए अब यहाँ दिल्ली NCR में। तो बहुत अच्छा लगता है यार कि मतलब उत्तराखंड का कल्चर इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है हर जगह, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। पर साथ ही साथ जो भू कानून है, भू कानून के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं, तो भू कानून को भी सपोर्ट कीजिए। और मेरी आप मतलब रिक्वेस्ट है कि भू कानून लाया जाना चाहिए, मूल निवास 1950 आना चाहिए हमारे उत्तराखंड में। तो उसके लिए अगर कुछ भी प्रयास होगा तो ज़रूर मैं अब आगे से जाऊंगा, क्योंकि पिछली रैली में मैं जा नहीं पाया था किसी कारणवश। पर आगे से ज़रूर प्रयास किया जाएगा कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाऊं। तो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।